प्राची, कैबिनेट ऑफ दिल्ली ने मनीष सिसोदिया को मना किया था कि आप एक्साइज के लिए कुछ फैसले नहीं ले सकते। एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से आपको करना है। फिर भी मनीष सिसोदिया ने 8/11/2021 को इंपोर्टेड लिकर वालों की बियर पे ₹50 का प्रति क्रेट डिस्काउंट दे दिया, जिससे दिल्ली सरकार दिल्ली का नुकसान हुआ। उसके अलावा उन्होंने ऑपरेशनल पीरियड ऑफ लाइसेंस स्वतः जाकर बढ़ा दिया। उसके अलावा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को रिटेल में आने दिया। उन्होंने 2.5% से बढ़ाकर कमीशन 12% किया, जिसमें आप कि देखो ये उनके सारी की जो सारी बात बोल बिचौलिए रहे हैं हैं, और जैसे बोलेगा कि सारे जवाब दो। विजय, ये नहीं, अरोड़ा अब है, देखिए ये दिनेश सारी की अरोड़ा है, सारी जैसे बात कि बोल के अमनदीप डाल है। बोलेगा। कृपया अब आप प्राची देखिए एक प्राची एक करके पूछो ना प्राची भाई, एक सवाल प्राची होगा जवाब दूंगा, प्राची, एक क्या सवाल है ये क्वेश्चन पूछोगे तरीका? मैं जवाब दूंगा। ये तरीका कौन सा है प्राची शहजाद कि तुम सौ सौरभ सवाल जी, पूछोगे और मैं प्राची जवाब सौरभ सबके जी, सौरभ दूंगा? जी, सौरभ प्राची जी, मेरी मैं एक बात को सवाल क्यों पूछ रही इंटरप्ट हूँ किया जा रहा सौरभ है जी, देखिए फिर मैं भाई? ऐसे चर्चा नहीं कर प्राची पाऊंगी, जी, दर्शक सुनना चाह रहे हैं। प्राची आम जी, आदमी मेरी पार्टी एक का छोटी पक्ष सी क्या बात, है, भारतीय प्राची जनता जी पार्टी मेरी के एक बात आरोप सुन क्या है, लीजिए, स्पष्ट नहीं हो प्राची जी, पाएगा सौरभ जी। मैं बस आपसे प्राची जी, रिक्वेस्ट कर रही मेरी हूँ सर, एक बात, मैं बार बार प्राची जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट एक कर रही हूँ, मिनट, मैं आ रही हूँ प्राची जी आपके आप मुझे पास, एक मैं मिनट दे आ दो, रही हूँ प्राची आपके नहीं, पास, मैं मैं आ प्राची रही हूँ ये आपके तरीका पास, नहीं है, शहजाद जी को अपनी बात सिर्फ रखने दीजिए, एक मैं मिनट, आऊंगी। आप मुझे सिर्फ एक एक मिनट सेकंड, दे दो प्राची जी, मैं मैं अपनी आ एक रही हूँ, छोटी सी आप बात एक कह क्या रहा सर हूँ, 2 मिनट लीजिएगा आप, एक सेकंड शहजाद जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात। मैं ये कह रहा हूँ प्राची प्राची, जी, हर शो आप में सौ प्राची, मैं सवाल आपके पूछेंगे, पीसीआर से उन रिक्वेस्ट कर सौ रहा हूं कि सवालों मेरी का जवाब बात मैं आ जाने कैसे दूंगा दीजिए, भाई? हमारी एक बात सवाल जनता तक नहीं पूछो, पहुंच पाती मैं है इस जवाब प्रकार से, दूंगा। फिर दूसरा प्लीज आई सवाल रिक्वेस्ट यू पूछो, मैं प्राची, जवाब दूंगा। मैंने इनका सौरभ जी, पूरा सौरभ जवाब जी, सौरभ सुना। जी, सौरभ जी, मेरी बात सुनिए सर। देखिए ऐसे ना चर्चा में मुझे समझ में आ पाएगा कुछ, ना मेरे दर्शकों को आ पाएगा। एक के बदले आप 2 मिनट 3 मिनट लीजिएगा, शहजाद को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात करिएगा। शहजाद जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास सौरभ जी। प्राची जी, प्राची जी, जो मैंने वायलेशंस गिनाना शुरू किया था, उसमें एक और वायलेशंस इस प्रकार का था कि इन्होंने 21 से 3 दिन कर दिए थे ड्राई डेज की संख्या, मतलब कि मोटा पैसा कमा रही थी ये लिकर कंपनियां, इतना पैसा कमा रही थी कि 1 पे 1 फ्री दारू रखा था। अगर 1 पे 1 फ्री देने की उनकी कुव्वत थी, उनके पास कैपेसिटी थी, तो उनको तो कोई 144 करोड़ के वेवर की जरूरत ही नहीं थी। कोरोना काल का यहाँ पे कोई बहाना ही नहीं देना चाहिए था उनको 144 करोड़ देने का, उन्होंने ये भी दिया। और इसके अलावा मैं आपको दो स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ, ये जो अमनदीप ढाल है, जिसकी कंपनी ब्रिंडको को यहाँ पे मिला है ठेका, 2.5% से 12% का कमीशन भी मिला है बढ़ाकर, उन्हीं की कंपनी को पंजाब में भी दिया है। और इसके अलावा जो विजय नायर है और जो दिनेश अरोड़ा है, जो बिचौलिए थे इस पूरे मामले में, उनके साथ इनका क्या संबंध है? क्या ये सच्चाई है या सच्चाई नहीं है कि इन्होंने महावीर डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीन कर दिनेश अरोड़ा को दे दिए? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि पठानकोट में जो एक बंद थी शराब की फैक्ट्री, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं या नहीं लिए हैं? और उस कंपनी को जो रूल्स के खिलाफ थी, उसको भी उन्होंने चालू करा दी। अब पंजाब में भी इन्होंने ये घोटाला किया है, दिल्ली में भी किया है। दिल्ली में मैंने आपको कई सारे वायलेशंस अगेंस्ट द रूल्स बताए हैं। ये मुझे बता दे, 30 करोड़ का ईएमडी जोन 1 एयरपोर्ट के लाइसेंसी को कैसे दे, एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसी को कैसे वापस कर दिया, जबकि दिल्ली एक्साइज रूल्स कहता है कि अगर वो एनओसी नहीं लाता है तो वो ईएमडी जो है वो फॉरफिट होती है, परंतु उन्होंने वो पैसा लौटा दिया। एक तरफ तो ये लोग गरीब बच्चों को कह रहे थे कि आपकी फीस बढ़ानी होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि एजुकेशन माफिया का समर्थन कर रहे थे, और दूसरी ओर कह रहे कि शराब वालों की शराब नहीं बिक रही थी कोरोना में। अरे शराब तो इतनी बिक रही थी कि 80% से ज्यादा उनके सेल्स बढ़े थे, परंतु सेल बढ़ने के बाद सरकारी रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा? और अगर ये फिर भी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर वापस इस पॉलिसी को क्यों कर दिया गया? ये मैंने 7-8 स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए, ये बीच में बोलते हैं, टोकते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो शो कॉज नोटिस ईडी ये इसका था, एक्साइज डिपार्टमेंट का, इसमें विजिलेंस का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इसका पैसा उनको दिया गया कि कार्रवाई मत करो, वरना एक्साइज डिपार्टमेंट रेड मारता है, सील करता है, बंद करता है। अब आपकी बात आ गई सर, अब शहजाद आपकी बात पूरी तरीके से पूरी हो गई, आपके सवाल हो गए। अब सौरभ भारद्वाज जी इन सवालों का जवाब दीजिए, और प्लस इसमें सवाल यही है, जब सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, इतनी अच्छी पॉलिसी आप लेकर आ गए थे, वापस क्यों कर ली, यू टर्न क्यों मार लिया इस पर? चलिए सौरभ जी से लगता है फिर संपर्क टूट गया है। शहजाद जी आपने एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछ दिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, इकट्ठे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सवाल सौरभ जी आपसे पूछ रहे थे, मैं लौटकर उन पर आ जाती हूं कि ये घोटाले आपको दिल्ली में ही क्यों नजर आ रहे हैं? वो बार बार आम आदमी पार्टी गुजरात का जिक्र करती है कि वहां पर CBI ED क्यों नहीं भेजते हैं आप? प्राची, बहुत अच्छा सवाल है प्राची। पहले कोई भी हत्यारे, पॉकेटमार, चोर को यह अधिकार नहीं होता कि कहीं और तथाकथित चोरी हो रही है, इसलिए मेरी चोरी या हत्या को मत पकड़ो। ये बेतुका आर्ग्यूमेंट होता है लीगल
पार्लियामेंट में। दूसरी बात, मान लो इनके पास सारे सबूत है गुजरात के, तो रोज आकर 5 से 11 डिबेट करने से अच्छा और हमारा समय बर्बाद करने से अच्छा एक प्राइवेट कंप्लेंट वो पंजाब में डाल दे, कहीं पर डाल दे, किसी और जगह डाल दे और क्रिमिनल कोर्ट से कार्रवाई करवा दे कि देखिए ये क्रिमिनल हो रहा है, या वो जाके गुजरात की किसी को, कोर्ट में तो भरोसा है ना, कोर्ट तो निष्पक्ष है, कोर्ट विंडेटा नहीं करेगा। अगर मान लो हमारी एजेंसियां जो है वो पूरा विंडिक्टिव होकर बायस होकर काम कर रही है, तो वो तो सीधे जाके कोर्ट में करवा सकते हैं कि देखिए उनको कल एक मुद्दा मिल जाएगा कि ये शहजाद पूनावाला की सरकार और उनकी एजेंसी बहुत विंडिक्टिवली और सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं। वो नहीं करते, वो इधर उधर की बात इसलिए करते हैं, कभी 2024 की, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की, कभी गुजरात की, क्योंकि मैंने जो विषय उठाया ना प्राची जी, मैंने तो फैक्ट के साथ बताया। अमनदीप ढाल को पंजाब में भी मिला और यहां पर भी मिला। सवाल बहुत सारे इकट्ठा हो गए, फिर सौरभ इन सवालों के जवाब देंगे। सौरभ जी जवाब दीजिए इन तमाम सवालों के, 144 करोड़ का सवाल है, लॉस अगर था तो फिर एक के साथ एक फ्री क्यों मिल रही थी? हाँ ठीक है, आप प्राची जी देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि एक साथ 20 सवाल पूछे जाए, और देखिए समय तो मुझे भी उतना ही मिलेगा जितना इसको मिलेगा, तो उसके अंदर कहा जाएगा कि मैं 2 साल का सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैक्सिमम, या एक का दे पाऊंगा, फिर दोबारा वही रिकॉर्ड जो है जो 2 महीने से रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट करेंगे। और मैंने इनको 100 बार बोला, हर चैनल पे बोलता हूँ, भाई तू क्वेश्चन पूछ मैं जवाब दूंगा, क्वेश्चन छोटा होगा बड़ा होगा, इनको बराबर समय चाहिए। और एक बार अब देखिए, जब मैंने 144 करोड़ का जवाब देना सबसे पहले शुरू किया, मैंने आपके शो पे क्या बोला, इनका पहला क्वेश्चन 144 करोड़ का होता है, मैं इनका जवाब देता हूं क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा 144 करोड़ का कोई सवाल नहीं है। अब 144 करोड़ का सवाल उन्होंने दोबारा पूछ लिया ना आपके शो में, चलिए जवाब। अब मैं सबसे पहले इनको 144 करोड़ का ही सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए ये सवाल ये मेरे से 3 हफ्ते से पूछ रहे थे, और मैं पहले हफ्ते में जब इनको जवाब दिया था, मैंने कहा भैया ऐसा है, जिस तरीके से लाइसेंसी एक्साइज के होते हैं उसी तरीके से दिल्ली की भाजपा जवरा स्वासित एमसीडी के लाइसेंसी थे टोल टैक्स पे, एमसीडी के लाइसेंसी थे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले, रेलवे विभाग तो केंद्र का है, उसके जितने लाइसेंसी थे वो आपकी केंद्र सरकार के थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि इन सब लाइसेंसीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना में लॉकडाउन पीरियड का कंसेशन दिया है? ये बगले झांकते रहे मगर अभी तक इन्होंने हाँ ना नहीं किया, गोल पोस्ट चेंज कर दी। और क्या गोल पोस्ट चेंज करी कि पाजी जी कोरोना के समय 1+1 बिक रहा था। अरे भाई कोरोना के समय में दिल्ली में जनवरी 2022 में, और मैं सेकेंड वेव की बात नहीं कर रहा, मैं अब थर्ड या फोर्थ वेव की बात कर रहा हूं, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की, जब ओमिक्रॉन वायरस फैला था, लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं हुए थे, मगर सरकार ने एहतियातन दिल्ली के अंदर पहले लॉकडाउन किया, कंप्लीट लॉकडाउन, और उसके बाद सरकार ने इवन ऑड किया, सारे बाजारों के अंदर इवन ऑड किया, और जब इवन ऑड भी हट गया तो भी सरकार ने बाजारों में बाजार बंद होने का टाइम 10 बजे की जगह 8 बजे कर रखा था, जिसकी वजह से सारे लिकर लाइसेंसीज को सेल के अंदर फर्क पड़ा, वो 1+1 दे रहे हो या 1+5 दे रहे हो, मगर किसी आदमी की अगर एवरीडे की सेल है और आप उसकी सेल लॉकडाउन करके उसकी बंद कर देंगे और उसको प्राची जी पर डे का पैसा देना है लाइसेंस का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।